नमस्कार, हमारे साथ हैं शिवलाल जी। शिवलाल जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप बहुजन समाज से हैं या कहाँ से? मैं बहुजन समाज से हूँ, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो क्यों देने आए हैं? मैं उनका आदरणीय हूँ, मेरे वो माननीय हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, और जो संविधान दिया है हमें आगे बढ़ने के लिए, वो संविधान के हिसाब से हम यहाँ खड़े हैं। आपके अंदर देख रहे हो बहुत सारा जोश है, तो ये संविधान ने ऐसा क्या दे दिया जो इतना जोश आ गया आपके अंदर? बाबा साहब ने ये सब कुछ दे दिया, जो हम लोग धरती में एक हाड़ी पे लटका के चलते थे, आज हम सूट बूट में चल रहे हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, MPhil पढ़ रहे हैं, बेटी बेटा नौकरी पे हैं। मेरे बेटा भी है एक, वो MCD में दिल्ली में दवाई बांटता है, फार्मेसिस्ट है। मेरी बेटी है, वो MPhil है। एक मेरा बेटा है जो यहाँ सिविक सेंटर में इनकम टैक्स में है। ये सब बाबा साहब की बदौलत है। हम तन मन धन से और धन से और तन से और मन से जी जान से हम अपने संविधान को आँच नहीं आने देंगे, और संविधान के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे और संविधान को कभी कुछ नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी चरणों में उनके मैं साथ साथ नमन करता हूँ। मेरा नाम शिवलाल है। आप थे शिवलाल जी, जिन्होंने कितने अच्छे से बताया कि मैं आज जो भी हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की बदौलत हूँ, और उनकी बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर सब बन रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और उन्होंने कहा कि संविधान की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो हम उसके ऊपर अपनी जान तक नछावर कर देंगे। शिवलाल जी, SM News से बात करने, धन्यवाद सर। सर ठीक है, धन्यवाद।